वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2021 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म जगमे थंदिरम का चेहरा दोस्तों, जिसको रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है और ये फिल्म हिंदी डब में भी अवेलेबल है। तो इस मूवी को देखने के बाद ये मूवी मुझे कैसा लगा है, ये मूवी आपको देखना चाहिए फिर ना चाहिए, यही सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इससे ज्यादा बात ना करते हमारे आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जगमे थंदिरम जो कि साल 2021 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी, जिसके लीड रोल आपको नजर आएंगे धनुष, ऐश्वर्या लक्ष्मी, जोजो जॉर्ज एंड जेम्स कॉस्मो के अलावा और भी काफी सारे कलाकार। बात करें उस मूवी को डायरेक्ट कौन किया था, इस मूवी को डायरेक्ट किया था कार्तिक सुब्रज ने। कार्तिक सुब्रज वही डायरेक्टर है जिन्होंने इससे पहले पिज्जा, इराइवी और उसके बाद पेटा जैसे मूवी को भी डायरेक्ट किया था। दोस्तों, बात करें ये फिल्म मुझे कैसा लगा, ये फिल्म मुझे काफी अच्छा लगा था दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है। तो अगर आप इस रीजन को जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। तो पहले बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में, यहाँ पर स्पॉइलर नहीं दूंगा लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत आइडिया देता हूँ। दोस्तों देखिए, फिल्म की कहानी कुछ ऐसे भाई, लंदन में दो गैंगस्टर रहते हैं, उनमें से एक का नाम है पीटर और दूसरे का नाम है शिवदास, और ये दोनों के अंदर हमेशा से लड़ाई झगड़ा लग रहे थे, यानी कि कौन लंदन में राज करेगा इस चीज को लेकर उन दोनों के अंदर हमेशा से मारा मारी काटाकाटी ये सब लग रहे थे। तो कहानी आगे बढ़ते जब पीटर शिवदास को मारने के लिए तमिलनाडु से एक गैंगस्टर को बुलाते है जो कि छोटा मोटा गैंगस्टर है जिसका नाम है सुरली। अब सुरली जो कि धनुष की कैरेक्टर है वो कैसे लंदन में आते हैं, आने के बाद कौन सी गैंग की वाट लगाते हैं, इन सब चीजों को जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ती है। दोस्तों मूवी की स्टोरी अच्छा था, उसके साथ साथ इस मूवी की स्टोरी को जितनी बढ़िया तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया गया है वो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा था दोस्तों। पहले बात करें इस मूवी की स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो काफी अच्छा था, जिसकी वजह से आपको ये मूवी देखते टाइम बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं आता है और आप इस मूवी को फर्स्ट से लेकर अंत तक देख लेते एकदम एक ही झटके में। वहीं पर बात करें इस मूवी की राइटिंग, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी और इस मूवी की जो कैमरा वर्क है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, और खास करके जो कैमरा वर्क रखा गया है सच में काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। अब दोस्तों बात करें कलाकार की एक्टिंग की, भाई इस मूवी के अंदर कलाकार ने जो एक्टिंग की है वो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है, खास करके धनुष की एक्टिंग। भाई धनुष की एक्टिंग के अंदर इतना ज्यादा जोश है, इतना ज्यादा पावर है कि भाई उनकी एक्टिंग को देखकर आप उनकी पूरी तरह से फिदा हो जाएंगे। भाई अरे यार कितना कमाल की एक्टिंग करते ऐसा बोलेंगे। उसके अलावा बात करें जोजो जॉर्ज की, उनकी एक्टिंग भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक था। उसके अलावा जेम्स कॉस्मो की एक्टिंग भी काफी बढ़िया था, यानी कि सभी कलाकार की एक्टिंग आपको पूरी तरह से इंप्रेस करने में कामयाब रहते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की हिंदी डबिंग की, तो इस मूवी का जो हिंदी डबिंग किया गया है वो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा था दोस्तों, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको धनुष की जो डबिंग देखने के लिए मिलने वाला है भाई सब काफी ज्यादा बढ़िया है, खास करके उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उनकी जो एक्सप्रेशन है उसके साथ पूरी तरह से डबिंग मैच करते हैं, जिसकी वजह से आपको देखते टाइम और भी ज्यादा मजा आ जाता है। दोस्तों बात करें इस मूवी के अंदर की एक्शन की, तो इस मूवी के अंदर आपको जो एक्शन देखने के लिए मिलने वाला है वो काफी अच्छा है और उसको काफी रियलिस्टिक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट भी किया गया है। वही पर बात करें इस मूवी के अंदर की गाने की, यानी कि सॉन्ग्स की, तो इस मूवी का जो सॉन्ग है वो काफी ज्यादा बढ़िया है और उसको सुनते टाइम आपके अंदर से जोश आ जाता है कि भाई कमाल की सॉन्ग है। और इस मूवी के अंदर आपको छोटा छोटा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ कुछ कमाल की थ्रिलिंग मोमेंट्स भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, यानी कि एक थ्रिलर मूवी के हिसाब से ये काफी बढ़िया था। दोस्तों बात करें इस मूवी की फर्स्ट हाफ की, तो इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ था वो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा था दोस्तों, क्योंकि इस मूवी की फर्स्ट हाफ में आपको काफी अच्छा एक्शन उसके साथ साथ काफी बढ़िया थ्रिलर देखने के लिए मिलने वाले है। वहीं पर बात करें इस मूवी की सेकंड हाफ की, तो इस मूवी की सेकंड हाफ आपको अच्छा लगेंगे लेकिन फर्स्ट हाफ जितना अच्छा नहीं लगेंगे, क्योंकि फिल्म की सेकंड हाफ में आपको काफी अच्छा इमोशन देखने के लिए मिलने वाला है और थोड़ा बहुत एक्शन भी है, क्योंकि फिल्म की सेकंड हाफ में आपको एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई गई है जो कि पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा है, और दोनों यानी कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को मिला के देखें फिल्म काफी बढ़िया है। इस मूवी के अंदर इमिग्रेशन या फिर बोला जैसे रिफ्यूजी प्रॉब्लम को लेकर एक कमाल की मुद्दा उठाया गया है जो कि पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा, यानी कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी के अंदर ऐसे टॉपिक डालना जो कि सही में एक कमाल की बात है। दोस्तों बात करें इस मूवी की क्लाइमेक्स की, तो इस मूवी का जो क्लाइमेक्स था मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा था दोस्तों, क्योंकि इस क्लाइमेक्स के अंदर आपको एक कमाल की फाइट देखने के लिए मिलते हैं, उसके साथ साथ एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजते है। भाई साहब उस फाइट के साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजते है सच में उस टाइम आपके अंदर एक कमाल की जोश आ जाते कि भाई हाँ ये कमाल की है, एकदम कमाल की है। दोस्तों ये 2.5 घंटे लंबे फिल्म को आप अपने फैमिली के साथ तो देख सकते हैं लेकिन बच्चों के साथ बिल्कुल भी देख नहीं सकते, क्योंकि ये बेसिकली क्राइम के ऊपर बनी फिल्म है। क्राइम अगर आप अपने बच्चों को दिखाएंगे तो भाई वो सही नहीं होगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस फिल्म को अपने मैच्योर फैमिली मेंबर के साथ बैठकर ही देखें। दोस्तों ओवरऑल अगर देखें जगमे थंदिरम एक ऐसी मूवी है जिसे आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस मूवी के अंदर की काफी सारी चीजें जो कि आपको जरूर इंप्रेस करेगा, और अगर आप धनुष की डाई हार्ड फैन है तो आप इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस ना करें,
ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। अगर आप इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में देखना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी हम इस मूवी का लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है तो भाई आप वहाँ से देख लेना। दोस्तों यही था आज की वीडियो पसंद है तो जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना था, अगली वीडियो तक बाय बाय टाटा।